वो हमारा होम स्टे है, वहां रह रहा हूं। कहते हैं ना, जब हर चीज़ से परेशान हो जाओ ना, जब शहरों की भीड़ से, अपने डेली शेड्यूल से, 9 to 5 जॉब से परेशान हो जाओ ना, आ जाओ यार पहाड़ों में कुछ दिन के लिए। हेलो एवरीवन, वो दिख रहा है आप लोगों को वहां पे, मैं दिखाता हूँ। तशी काट रहा है लकड़ी, क्योंकि शाम को लकड़ी जलाना पड़ता है ठंड से बचने के लिए, और कल लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी तो फिर आज तशी लकड़ी काट रहा है। शाम को अपना भी रूम थोड़ा गर्म गर्म रहेगा। -16 degrees पता है कैसे जिंदा रहा जाता है? ऐसे रहा जाता है लकड़ी की मदद से। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि हम लोगों का लकड़ी ख़त्म हो गया था और यहाँ कटिंग हो रहा है। तशी भाई कटिंग करे लकड़ी का, मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ों में ऐसे लकड़ी काट रहे हैं, ये बड़े बड़े जो लॉक थे उसको काट के छोटा छोटा किया गया है, और फिर ये इसको छोटा छोटा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये तंदूर के अंदर डाला जा सके और इजीली जले। ये तशी भाई एकदम प्रो लेवल के हैं। बहुत बहुत टफ जॉब है भाई साहब, लकड़ी काटना इतनी ऊंचाइयों में बहुत टफ जॉब है। और ये मैं किचन में एंटर करने वाला हूँ, देख रहा हूँ आज क्या बन रहा है। आज लिटन भाई साहब बना रहे, क्या बना रहे? मछली फिश। और मैं हूँ कोलकाता से, आप तो समझ सकते हैं, फिश के लिए हम लोग मर सकते हैं। और इतनी ऊंचाइयों पर मुझे फिश मिल रहा है, मतलब अरे भाई क्या बात, वो खुशबू भी अच्छी आ रही है। वो सॉल्ट बेस स्टाइल में सॉल्ट डाल रहा हूँ। ये फिश, इस तरह से हम लोग फिश खाते हैं, कैंड फिश है, इसको बहुत दिन तक प्रिजर्व रखा जा सकता है। आर्मी वालों से लिया गया। ये आर्मी वालों ने गिफ्ट दिया है, हो गया मेरा काम, क्योंकि यहाँ फिश मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो इस तरह प्रिजर्व कैन फिश हम लोग खाते हैं। देखो आपका चावल, देखो तो ये है भैया फिश एंड राइस, वो भी स्पीति में। लिटन भाई ने बनाया खाना, पहले खाओ फिर बताओ, देखते हैं टेस्ट करें कैसा हुआ। नमक करें? लाजवाब, नून लग बे, नून नमक थोड़ा लगेगा बट ठीक है, बहुत टेस्टी हुआ है।